नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय का शीर्षक है सामुदायिक भागीदारी का संगठन एवं प्रबंधन। मैं डॉक्टर गौरव सिंह, शिक्षा विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली से आपके साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जब हम सामुदायिक भागीदारी की बात करते हैं तो सामुदायिक भागीदारी से हमारा तात्पर्य विद्यालय में सामुदायिक भागीदारी से है। विद्यालय में समुदाय कितने प्रकार से भागीदार हो सकता है, उसकी क्या क्या पूर्वापेक्षाएं हैं, क्या क्या आयाम हैं और कैसे इसका संगठन और प्रबंधन किया जा सकता है, इससे जुड़े कुछ विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। सामुदायिक भागीदारी में प्रबंधन के आधार क्या हैं, अर्थात सामुदायिक भागीदारी में प्रबंधन की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है हमें इस विषय पर चर्चा करने की। तो इसके जो चार मूल आधार हैं, पहला आधार है मानवीय शक्ति की आवश्यकता, दूसरा आधार है लागत लाभ संबंध, तीसरा आधार है सामाजिक अपेक्षाएं और चौथा आधार है सामाजिक न्याय। ये जो चार मूल आधार हैं, इन्हीं चार मूल आधारों के कारण हमें सामुदायिक भागीदारी के संगठन और प्रबंधन की चर्चा करने की आवश्यकता है। एक एक बिंदु पर हम विस्तार से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं मानवीय शक्ति की आवश्यकता की, तो पहला विषय जो हमारे सामने आता है वह ये आता है कि इस देश को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की आवश्यकता है। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नए नए क्षेत्र आ रहे हैं, चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ चाहिए। उन विशेषज्ञों का निर्माण किसको करना है, विद्यालय को करना है। तो विद्यालय को किस प्रकार की मानवीय शक्ति का विकास करना है, उस मानवीय शक्ति का विकास जिसकी परिकल्पना विद्यालय में की जाती है उसमें किस प्रकार की विशेषज्ञता होनी चाहिए, इसका चिंतन प्रारंभ से करने की आवश्यकता है। जब हम प्रारंभ से इसका चिंतन करते हैं तभी हम एक बेहतर मानवीय शक्ति के रूप में अपनी विद्यार्थियों को और बच्चों को विकसित कर सकते हैं। दूसरी आवश्यकता है उत्पादन क्षमता में वृद्धि की। किसी भी देश की प्रगति उस देश की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। उत्पादन क्षमता न केवल कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता, औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन क्षमता भी। तो उद्योगों में किस प्रकार से उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी है, कृषि में किस प्रकार से उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी है, उस उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए किस प्रकार की मानवीय शक्ति चाहिए। यदि मैं कृषि की बात करूं तो कृषक भी चाहिए, कृषि वैज्ञानिक भी चाहिए, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को निर्माण करने वाले लोग भी चाहिए। उसी प्रकार से यदि औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो उद्योगों में काम करने वाले लोग भी चाहिए, न केवल इंजीनियर चाहिए बल्कि मैनेजर भी चाहिए, कामगार भी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स जिसकी हम बात करते हैं, कुशल कार्यक्षमता वाली जनता भी चाहिए। तो इन सब प्रकार के लोगों की हमें आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने वाले मानवीय शक्ति का निर्माण कर सके। तीसरा आयाम है विशेष तकनीकी में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि देश और दुनिया में तकनीकी बहुत तेजी से बदल रही है, हर क्षेत्र में तकनीकी का हस्तक्षेप हो रहा है और सकारात्मक हस्तक्षेप हो रहा है। उस तकनीकी में यदि जो विशेषताएं हैं उनको ठीक प्रकार जानने वाले समझने वाले लोगों की आवश्यकता, वह तकनीकी चाहे शिक्षा से जुड़ी हो, वह तकनीकी चाहे व्यवसायों से जुड़ी हो, वह तकनीकी चाहे सेवा क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे अंतरिक्ष से जुड़ी हो। हर क्षेत्र में जिस तरह से तकनीकी आगे बढ़ रही है उस तकनीकी के लिए प्रशिक्षित लोगों की कमी है, ऐसे प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। हमें विशिष्ट सेवाओं के लिए भी लोगों की आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, शिक्षक बनने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है, सैनिक बनने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता है। ये तो केवल दो उदाहरण हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसी बहुत सारी विशिष्ट सेवाएं हैं जिनके लिए विशिष्ट प्रकार के कौशल चाहिए,
विशिष्ट प्रकार की क्षमता चाहिए, विशिष्ट प्रकार की अभिवृत्तियां चाहिए, विशिष्ट प्रकार का मनोभाव चाहिए। तो ऐसे लोगों को विकसित करने के लिए भी हमें विभिन्न प्रकार की मानवीय शक्ति की आवश्यकता है, विभिन्न सेवाओं के लिए कर्मियों की आवश्यकता है। तो जब हम प्रबंधन और संगठन की बात कर रहे हैं, सामुदायिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो ये समुदाय ही है जो बताता है विद्यालय को कि उसे किस प्रकार की मानवीय शक्ति चाहिए। समुदाय से मेरा तात्पर्य केवल समुदाय नहीं है, वो राज्य सरकार भी हो सकती है, वो जनता भी हो सकती है, वो बहुत से प्रकार के तकनीकी संस्थान भी हो सकते हैं, वो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखाने भी हो सकते हैं। वो सब बताते हैं विद्यालय को, शिक्षा जगत को, कि उन्हें किस प्रकार की जनता चाहिए, किस प्रकार की वर्कफोर्स चाहिए, किस प्रकार की मानवीय शक्ति चाहिए, और जिस प्रकार की मानवीय शक्ति चाहिए उस प्रकार की मानवीय शक्ति के विकास के लिए कैसा विद्यालय होना चाहिए, कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे संसाधन होने चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस सब में समुदाय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब सामुदायिक भागीदारी के संगठन और प्रबंधन की बात आती है तो उसका पहला आधार है समुदाय को, समाज को क्या चाहिए, कैसा मानव, कैसी मानवीय शक्ति चाहिए। दूसरा आधार है लागत लाभ संबंध। आपको लगता होगा शिक्षा में इससे सीधे सीधे क्या संबंध, शिक्षा में लाभ और लागत का क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। यह लंबे समय से परिचर्चा का विषय है कि शिक्षा पर जो खर्च होता है वो खर्च निवेश है या व्यय है। वो चाहे सरकार खर्च करती है, चाहे माता पिता खर्च करते हैं, चाहे कोई सामाजिक संस्थान खर्च करता है, कोई तो खर्च करता है, लेकिन शिक्षा पर खर्च निवेश है या व्यय है, हमें इस प्रश्न पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक निर्माण हो, ये किसकी अपेक्षा है? ये देश की अपेक्षा है, ये राष्ट्र की अपेक्षा है, ये सरकार की अपेक्षा है, ये समाज की अपेक्षा है, ये माता पिता की अपेक्षा है। यदि आपको अपनी अपेक्षा पूरी करने के लिए कुछ चाहिए तो उस पर आप जो खर्च करते हैं वो निवेश है या व्यय, ये चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये निवेश है। ये निवेश इसलिए है क्योंकि जब आपने अपने उपयुक्त नागरिक निर्माण करने के लिए शिक्षा पर कुछ खर्च किया और यदि शिक्षा ने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिकों का निर्माण किया तो आपको परिणाम मिल गया। परिणाम केवल आर्थिक नहीं होता। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च सदैव ही निवेश है। फिर प्रश्न उठता है यदि ये निवेश है तो ये उत्पादनकारी निवेश कैसे है? यदि हम ये मान लें कि शिक्षा पर होने वाला खर्च निवेश है, आप भी मेरी बात से सहमत हों कि शिक्षा पर खर्च निवेश है, तो अगला प्रश्न उठता है शिक्षा, क्योंकि जब भी हम कुछ निवेश करते हैं तो इस अपेक्षा में निवेश करते हैं कि इसका हमें कुछ लाभकारी परिणाम होगा, कुछ उत्पादनकारी परिणाम होगा, तो शिक्षा एक उत्पादनकारी निवेश कैसे है? यदि शिक्षा हमारे बच्चों में उचित कौशल विकसित कर पाती है, अच्छे मूल्य विकसित कर पाती है, उनको एक उत्पादनकारी नागरिक बना पाती है, उन्हें इस योग्य बना पाती है कि वे जिस क्षेत्र में भी रहें उस क्षेत्र में कार्य करके राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें, तो शिक्षा निश्चित ही एक उत्पादनकारी निवेश है। इसलिए शिक्षा पर जो निवेश है उसका लाभ भले आर्थिक तो होता है, कई बार प्रत्यक्ष होता है, कई बार अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन लाभ तो होता है। इसलिए शिक्षा पर होने वाला निवेश सदैव ही एक उत्पादनकारी निवेश है। अगला प्रश्न उठता है, खासतौर पर आज के समय में जबकि निजी क्षेत्र के विद्यालयों में बड़ी बड़ी फीस दी जाती है, क्या माता पिता शिक्षा के खरीदार हैं? यह प्रश्न क्यों उठ रहा है? यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है
क्योंकि शिक्षा कई जगह व्यापार है। माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराते हैं, मोटा शुल्क देते हैं और उसके बाद अपेक्षा करते हैं उनके बच्चे के इतने प्रतिशत अंक तो आने ही चाहिए, उनके बच्चे को इस प्रतियोगिता में सफल होना ही चाहिए, इस क्षेत्र में उसको आगे जाकर प्रवेश मिलना ही चाहिए। ये जो ही चाहिए की अपेक्षा है, ये माता पिता को खरीदार बना रही है, लेकिन शिक्षा को खरीदा नहीं जा सकता। एक अच्छा विद्यालय अच्छा परिवेश दे सकता है, एक अच्छा विद्यालय अच्छे शिक्षण उपकरण दे सकता है, एक अच्छा विद्यालय अच्छे शिक्षक दे सकता है, एक अच्छा विद्यालय अच्छी पाठ्य पुस्तकें दे सकता है, लेकिन एक अच्छा विद्यालय ये तय नहीं कर सकता कि बच्चा जो सीख रहा है वो अच्छा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। क्योंकि सीखना बच्चे पर निर्भर करता है, बच्चा स्वयं सीखता है। बच्चे को सिखाने के उपकरण तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए जब ये प्रश्न उठता है कि माता पिता शिक्षा के खरीदार हैं, नहीं, माता पिता शिक्षा के खरीदार कभी नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न, जब हम शिक्षा पर खर्च की बात करते हैं तो शिक्षा पर दो प्रकार के खर्च की बात होती है, एक तो शिक्षा पर प्रत्यक्ष खर्च और एक शिक्षा पर अवसरवादी खर्च। शिक्षा पर प्रत्यक्ष खर्च क्या होता है? प्रत्यक्ष खर्च होता है वो जो सरकार करती है विद्यालयों के निर्माण पर, अध्यापकों के वेतन पर, वह प्रत्यक्ष खर्च है। माता पिता जो शुल्क के रूप में खर्च करते हैं वह प्रत्यक्ष खर्च है। पुस्तकों के खरीदने में जो खर्च होता है वह प्रत्यक्ष खर्च है। और अवसरवादी खर्च क्या है? बच्चे को शिक्षा अच्छी मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, उसके लिए नए नए अवसर निर्माण करना, जो प्रत्यक्ष खर्च में हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी वो खर्च होते हैं, तो वो अवसरवादी खर्च की श्रेणी में आते हैं। यदि इतना सारा खर्च है, यदि शिक्षा पर सारा खर्च निवेश है, तो फिर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लाभ क्या हैं? क्योंकि सरकार फिर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देती है। इस देश में अभी इस विषय पर भी काफी चर्चा हो रही है, क्या निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, क्या सरकार को शिक्षा पर खर्च करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये शिक्षा की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा प्रदान करना, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, अन्य स्तरों पर भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इसको कक्षा 8 के परे भी ले जाना चाहिए और सबको एक जैसा देना चाहिए, परंतु यह व्यक्तिगत विचार हो सकता है। लेकिन शिक्षा जब निशुल्क और अनिवार्य होती है तो उसके दो लाभ होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लाभ है कि प्रत्येक नागरिक साक्षर होता है, प्रत्येक नागरिक में कुछ कौशलों का विकास होता है, प्रत्येक नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, वह देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। ये शिक्षा के प्रत्यक्ष लाभ हैं। परंतु शिक्षा के कुछ परोक्ष लाभ भी होते हैं, वे क्या हैं? अच्छे नागरिकों का निर्माण, ज्ञान और कौशल का विकास, कार्य संस्कृति का निर्माण और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें अच्छे मूल्य विकसित होते हैं, उसमें नागरिकता के कौशल विकसित होते हैं, वह देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति उत्तरदायी बनता है, अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को जानता है। यह अच्छे नागरिकों के निर्माण के रूप में पहला लाभ है। उसमें कौशलों का विकास होता है, वो जो भी ज्ञान अर्जित करता है, वो जो भी कौशल अर्जित करता है, उस ज्ञान और कौशल से वो न केवल अपनी आजीविका अर्जित करता है बल्कि राष्ट्र के विकास में भी योगदान करता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और देश में एक कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये एक आयाम है संगठन का। तीसरा आयाम है सामाजिक अपेक्षाएं। ये सामाजिक अपेक्षाएं क्या हैं? ये सामाजिक अपेक्षाएं एक आयाम क्यों है? इसलिए एक आयाम है
क्योंकि शिक्षा समाज की मांग है। समाज कहता है, समुदाय कहता है, हमें शिक्षा चाहिए। हमें कैसी शिक्षा चाहिए समाज तय करता है। यदि आप वैश्विक शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण देखें तो जिस समय जिन राज्यों में लगातार हमले होते थे, प्राचीन काल में कुछ ऐसे छोटे देश रहे हैं जिन पर पड़ोसी देशों ने सदा हमले किए, तो वहां के समाज ने कैसी शिक्षा मांगी? वहां के समाज ने ऐसी शिक्षा मांगी जो प्रत्येक नागरिक को बहादुर और वीर बनाए, सैनिक बनाए, ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। वो सामाजिक अपेक्षा थी। अपने देश की बात करें, संविधान का कानून इस देश पर लागू होता है। बहुलतावादी समाज है, समाज में समता और समानता रहे, समाज में लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखें, एक दूसरे की अपेक्षाओं को आदर करें, यह हमारी शिक्षा से समाज की मांग है। तो हमारी शिक्षा उस दिशा में काम करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है। परिवर्तन समाज में निरंतर होता है। प्रत्येक समाज प्रगति करना चाहता है, और उस प्रगति का माध्यम क्या है? उस प्रगति का माध्यम शिक्षा है। शिक्षा समाज से अवरोधों को और रूढ़ियों को समाप्त करती है। समाज में जितने भी प्रकार के अवरोध हों, जितने भी प्रकार की कमियां हों, या कुछ रूढ़ियां होती हैं, कुछ पुरातन विचार होते हैं जो एक समय काल में ठीक रहे होते हैं, लेकिन समय काल में परिवर्तन होने के साथ साथ वो अपना महत्व समाप्त कर देते हैं, उनका महत्व समाप्त हो जाता है। उनको समाप्त करने का काम शिक्षा का काम है। इसलिए हम कहते हैं शिक्षा राष्ट्र की प्रगति की वाहक है। शिक्षा राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाती है। जिस राष्ट्र में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, उस राष्ट्र में प्रगति नहीं हो सकती। शिक्षा राष्ट्र में दीर्घकालिक, सतत और टिकाऊ प्रगति की वाहक है। मैं यहां पर यह जोड़ना चाहता हूं। अगला प्रश्न आता है, अगला जो आधार है वह है सामाजिक न्याय। इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना भारतीय संविधान का लक्ष्य है। यदि हम संविधान का प्रस्तावना पढ़ें तो समानता और समता इसके दो स्तंभ हैं। देश में समता आए और देश में समानता का व्यवहार हो, ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन दो स्तंभों के बिना सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता। संविधान के इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। सामाजिक न्याय का एक आधार न्यायालय सुनिश्चित करते हैं कि किसी पर भी न्याय के आधार पर, कानून के आधार पर कोई अंतर नहीं रहे। सरकारें विभिन्न योजनाओं द्वारा सबका विकास सुनिश्चित करती हैं। जैसे यदि सरकार को लगता है कि देश में बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो बालिकाओं का भी विकास होना चाहिए, तो उसके लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाओं का निर्माण होता है। यदि सरकार को लगता है कि किसी वर्ग विशेष या अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रति ठीक से ध्यान नहीं जा रहा, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन, शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। यदि सरकार को लगता है कि पिछड़े वर्गों के साथ या अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के साथ उन्हें उचित अवसर नहीं मिल रहे, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जैसी संस्थाएं उन क्षेत्रों में अवसर समान हो, सबको न्याय मिले, सबका विकास हो, सबका साथ रहे, ऐसी योजनाएं संचालित करती हैं। तो न्यायालय न्याय सुनिश्चित करता है और सरकारें योजनाओं में सबका विकास सुनिश्चित करती हैं। लेकिन प्रश्न ये, शिक्षा में ये कैसे सुनिश्चित होगा? विद्यालय में कैसे सुनिश्चित होगा कि सबको न्याय मिले? विद्यालय में कैसे समता रहे? विद्यालय में कैसे समानता रहे? ये कौन निर्धारित करेगा? ये समुदाय निर्धारित करेगा, ये समुदाय सुनिश्चित करेगा। इसीलिए सामुदायिक भागीदारी का यह महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि विद्यालय में किसी बच्चे के साथ वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, तो उसको दूर करने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? विद्यालय के साथ साथ उस समुदाय की है जिस समुदाय में वह विद्यालय स्थापित है। इसलिए समुदाय
भागीदारी जब होती है तो सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन और संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय भी है। इन चारों आधारों के चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। शिक्षा के प्रसार और प्रशिक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन की आवश्यकता है। यदि सामुदायिक भागीदारी का प्रबंधन ठीक प्रकार से हो रहा है तो उस समुदाय में शिक्षा का प्रसार ठीक प्रकार से होगा। वहां के नागरिकों को जिस प्रकार का भी प्रशिक्षण चाहिए, चाहे वह हस्तकलाओं में प्रशिक्षण हो, चाहे वह तकनीकी में प्रशिक्षण हो, उन सबकी व्यवस्था समुदाय करेगा। इसलिए शिक्षा के प्रसार और प्रशिक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन की आवश्यकता है। परिवार, समुदाय और समाज के प्रति शिक्षा प्रभावशाली हो और शिक्षा की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पिछले बिंदु की व्याख्या में स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए भी सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन की आवश्यकता है, और अच्छी और उत्तरदायी नागरिकता का निर्माण हो और जिसके द्वारा राष्ट्र निर्माण हो सके, तो राष्ट्र निर्माण के महती लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन की आवश्यकता है। बहुत सी सामुदायिक समस्याएं होती हैं, उन सामुदायिक समस्याओं के निराकरण के लिए भी सामुदायिक भागीदारी के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए समुदाय के किसी वर्ग में, और आपने देखा भी होगा अभी भी इस देश में कुछ क्षेत्रों में है, समाज के कुछ वर्गों में, समुदाय के किसी वर्ग में, किसी जाति विशेष में, किसी धर्म विशेष में, किसी गांव विशेष में, किसी राज्य विशेष में, कहीं भी हो सकता है, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति यदि अनिच्छा है या भेदभाव है, तो इस सामुदायिक समस्या को दूर कौन करेगा? इस सामुदायिक समस्या को समुदाय दूर करेगा, समुदाय के लोग दूर करेंगे, वो लोगों को जागरूक करेंगे, बालिकाओं की शिक्षा के लिए अच्छे संस्थानों का प्रबंध करेंगे, उनके लिए जो आवश्यकता है, जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उन संसाधनों को एकत्र करेंगे, इसलिए सामुदायिक प्रबंधन की आवश्यकता है। एक और आप उदाहरण ले सकते हैं, बच्चों द्वारा शिक्षा अधूरी छोड़ देना। ये देखा गया है कि कुछ जगह बच्चे प्रवेश तो लेते हैं लेकिन कोई कक्षा 4 पढ़ के छोड़ देता है, कोई कक्षा 6 पढ़ के छोड़ देता है, कोई कक्षा 7 पढ़ के छोड़ देता है, कोई केवल प्रवेश लेके छोड़ देता है। तो यदि बच्चों ने शिक्षा में प्रवेश लिया और शिक्षा अधूरी हो गई तो शिक्षा के अधिकार का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार कहता है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना, पूरी कराना भी इसमें निहित है। तो यह भी एक सामुदायिक समस्या है, इसका समाधान कौन करेगा? समुदाय करेगा, समुदाय करेगा। यदि विद्यालय में सामुदायिक भेदभाव हो रहा है या समुदाय में कहीं भेदभाव है और वह भेदभाव विद्यालय में भी परिलक्षित हो रहा है, उसका हस्तक्षेप विद्यालय में हो गया है, तब इसका समाधान कौन करेगा? समुदाय करेगा। विद्यालय में अभिभावक के प्रति यदि अभिभावकों में अरुचि है, अभिभावक विद्यालय को पसंद नहीं करते, विद्यालय भेजना नहीं चाहते, विद्यालय में क्या होता है इसके प्रति उनमें रुचि नहीं है, तो इसका प्रभाव बच्चों पर दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि आप एक शिक्षक के तौर पर जिस समुदाय में, जहां आपका विद्यालय वहां कार्य कर रहे हैं, वहां देखेंगे तो आपको भी ऐसी बहुत सारी सामुदायिक समस्याएं नजर आएंगी जिनका समाधान समुदाय के पास ही है। लेकिन वो तब होगा जब आप समुदाय का बेहतर प्रबंधन करेंगे, समुदाय की भागीदारी का, सामुदायिक भागीदारी को बेहतर तरीके से विद्यालय में लेकर आएंगे। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत सारी सामुदायिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए आपके पास जो सबसे बड़ा उपकरण है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने आपको एक सबसे बड़ा उपकरण दिया है, वह उपकरण है विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसका काम केवल विद्यालय के कार्य निष्पादन की निगरानी मात्र नहीं है बल्कि विद्यालय विकास योजना का निर्माण और संस्तुति करना भी है, अनुदानों के खर्च की निगरानी करना भी है और समुदाय की अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना भी है। अर्थात यदि आप एक शिक्षक के तौर पर, एक प्रधानाध्यापक के तौर पर या विद्यालय प्रबंधन समिति के संयोजक होने के नाते
यदि विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रबंधन ही उचित प्रकार कर लें तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय का जो कार्य निष्पादन है, जैसे शिक्षकों का रोज आना, विद्यालय में पाठ्यचर्या का पूरा होना, विद्यालय में सारे बच्चों का नामांकन होना, जिन बच्चों का नामांकन हुआ है उनको रोज विद्यालय भेजने के लिए माता पिता को प्रेरित करना, ये कुछ मूल कार्य हैं जो विद्यालय प्रबंधन समिति को करने हैं। हमने पहले भी इनकी चर्चा की है। यदि हम इन कार्यों का ठीक से प्रबंधन करें, या जो विद्यालय विकास योजना का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति को करना है तो वो ठीक प्रकार से उसका निर्माण करे, 3 वर्ष में क्या होगा, अगले वर्ष कितनी आवश्यकता है, जो अनुदान आ रहे हैं क्या वो उसी मद में खर्च हो रहे हैं जिस मद के लिए आ रहे हैं, इसकी निगरानी यदि विद्यालय प्रबंधन समिति करती है, और समुदाय की बहुत सारी अन्य संस्थाओं से सहयोग लेने का काम भी विद्यालय प्रबंधन समिति कर सकती है। तो मुझे लगता है कि यदि विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रबंधन या सामुदायिक भागीदारी के जितने भी तरीकों की हमने चर्चा की है उन सबका प्रबंधन ठीक प्रकार से हो जाए तो निश्चित ही जो हमारा समता और समानता का, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आज की ये चर्चा आपको शिक्षक के तौर पर सामुदायिक भागीदारी के संगठन और प्रबंधन करने में कुछ मदद करेगी और आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान बेहतर ढंग से दे सकेंगे। आपने मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।